नमस्कार, आप देख रहे हैं आर भट्ट न्यूज खबर दानापुर से है। शिक्षा के नाम पर कॉलेजों द्वारा परीक्षा फॉर्म एवं नामांकन के नाम पर अवैध रूप से रुपए लेना, कहीं ये कोरोना में विद्यार्थियों के लिए कालना बन जाए। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के सभी महाविद्यालयों में परीक्षा फॉर्म एवं नामांकन प्रक्रिया ऑनलाइन की जा रही है। वही विश्वविद्यालय ने इस कोरोना को देखते हुए विद्यार्थियों को कॉलेज न जाने का नोटिस निकाल सूचना दी है कि सभी कार्य ऑनलाइन होंगे। वहीं कॉलेज कैंपस में अवैध रूप से पैसे उगाही के लिए परीक्षा फॉर्म भरने पर एक प्रति कॉलेज आकर जमा करने को बाध्य कर रही है। यही नहीं, विश्वविद्यालय ने सभी प्रक्रिया ऑनलाइन की है, मगर इससे कॉलेजों को छात्रों से किसी तरह की अवैध रूप आय प्राप्त नहीं हो रही है। ऐसे कारण से कॉलेजों द्वारा छात्रों से फॉर्म की प्रति कॉलेज में जमा करने को बाध्य किया जा रहा है। यह वीडियो है आरपीएस महिला कॉलेज दानापुर की। आप देख सकते हैं यहाँ ना सोशल डिस्टेंसिंग है, ना ही एक से ज्यादा काउंटर है। वहीं विश्वविद्यालय ने कोरोना को देखते हुए नोटिस जारी कर सभी कॉलेज को अपने स्तर से ऑनलाइन फॉर्म को सत्यापन करने को कहा है, मगर इस कोरोना काल में विद्यार्थियों को कॉलेज बुलाकर कॉलेज हार्ड कॉपी जमा करने के नाम पर 500 रुपए तो वसूल ही रही है, साथ ही लोगों की जान जोखिम में डाल रही है। छात्रों के विरोध करने पर बोला गया कि आपको जमा करना ही होगा, तभी फॉर्म मान्य होगा। क्या कुछ है पूरा मामला देखें इस रिपोर्ट में। Yeah, I'm gonna get you.